घरेलू विवाद में पत्नी साली और साले की गोली मारकर हत्या। मुरैना जिले की घटना। आरोपी धौलपुर जिले का निवासी। धौलपुर के पड़ोसी जिले मुरैना के बागचीनी गांव में रविवार सुबह पारिवारिक विवाद के चलते पति ने अपनी पत्नी साले और साली की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से गांव में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार मुरैना जिले के बागचीनी थाना क्षेत्र के बागचीनी गांव निवासी त्रिलोक सिंह परिहार का अपनी पत्नी राखी से 2-3 दिनों से घरेलू विवाद चल रहा था। रविवार को राखी का भाई शिवराज निवासी सोहरा गांव अटेज जिला भिंड अपनी बहन जूली के साथ त्रिलोक के घर पहुंचा। इस दौरान यहां पर काफी विवाद हो गया, जिसमें राखी तथा उसके भाई एवं बड़ी बहन ने त्रिलोक की मां की पिटाई कर दी और सामान लेकर अपने गांव के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि इस दौरान त्रिलोक घर पर नहीं था। पिटाई के बाद मां ने अपने बेटे त्रिलोक को पिटाई की घटना से अवगत कराया, जिसके बाद वह घर आया। इस दौरान उसकी पत्नी राखी अपने भाई एवं बहन के साथ बस स्टैंड से बस में सवार होने वाली थी, तभी पीछे से त्रिलोक परिहार अपने एक अन्य साथी के साथ कट्टा लेकर पहुंच गया और ताबड़तोड़ 5 फायर कर दिए, जिसमें तीनों को गोली लगी। फायरिंग में राखी एवं उसके भाई शिवराज की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि जूली गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल मुरैना ले जाया गया, जहां उसने भी दम तोड़ दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज कर राखी और उसके भाई का पोस्टमार्टम जौरा में कराया तथा जूली का पोस्टमार्टम मुरैना में कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने पूरी घटना की जानकारी ली और आरोपी की तलाश के लिए संभावित स्थानों पर दबिश भी दी। बताया जा रहा है कि घटना का मुख्य आरोपी त्रिलोक सिंह मूल रूप से धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सेवरपाली गांव का निवासी है, जो नाट पर काफी समय से बागचीनी गांव मुरैना में रहता है। मां की पिटाई के बाद गुस्से में आया आरोपी। बताया जा रहा है कि ससुराली जनों एवं पत्नी द्वारा आरोपी त्रिलोक सिंह की मां की पिटाई कर देने से वह काफी गुस्से में आ गया और उसने इस तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार मृतक की साली की ससुराल मुरैना जिले के पोरसा कस्बे में है, वहीं आरोपी का साडू हरेंद्र सिकरवा दिल्ली में कोई कार्य करता है। शनिवार को मृतका साली के बेटे का जन्मदिन था, इसलिए उसका पति हरेंद्र सिंह सिकरवार दिल्ली से पोरसा आया हुआ था। इस पर रविवार को हरेंद्र की पत्नी अपने पति को घर पर छोड़कर बहन की ससुराल गई थी, इसी दौरान वहां यह घटना हो गई। देखिए, आज सुबह पुलिस को एक जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर जो बागचीनी थाने के अंतर्गत बागचीनी का जो गाँव है, वहीं पे बस स्टैंड के पास एक फायरिंग की सूचना मिली थी, जिसमें 3 लोगों के घायल होने की पुलिस को जानकारी मिली। तो जब मौके पे गए तो वहाँ देखा कि एक पुरुष और 2 महिलाएं वहाँ पे, जिनको गोली लगी हुई थी, वो वहाँ पे थे। जब उनको चेक किया गया तो उसमें से एक पुरुष और एक महिला की मृत्यु हो चुकी थी और एक महिला घायल अवस्था में थी, जिसको वहाँ से हम लोगों ने इलाज के लिए मुरैना भिजवाया था, लेकिन उसके बाद पता चला कि उसकी भी मृत्यु हो गई है। ये पूरा घटनाक्रम जितनी हम लोगों ने आसपास के क्षेत्र में इसमें जानकारी प्राप्त की है, तो इसमें ये पता चला था कि जो मृतक पक्ष है, उसमें जो एक महिला थी जिसका नाम राखी परमार है, पत्नी त्रिलोक परमार, तो इसका अपने पति से कुछ पूर्व का कुछ विवाद चल रहा था। उसी विवाद को लेकर इसके भाई और बहन जो है, वो आज सुबह इनको समझाने के लिए आए थे। फिर उनका जो इसका ससुराल पक्ष है, उसमें संभावित उनकी माता जी और उनसे विवाद हुआ, जिसको लेकर इसका जो पति है ये आया। और जब ये लोग सामान लेके यहाँ से जाने के उसमें थे, बस स्टैंड के रास्ते में थे, सामान लेके जा रहे थे, तो पीछे से इसके पति ने आकर, और हो सकता है उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति भी हों, उनके साथ इसने इन पर हमला किया और तीनों की मौके 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और एक जो महिला है उसके बाद में दूसरे। सत्येंद्र पारासर बने भाजपा धौलपुर के नए जिलाध्यक्ष। कांग्रेस के बाद अब भाजपा ने भी की ब्राह्मण मतदाताओं को साधने की कोशिश। निवर्तमान जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा को बनाया प्रदेश कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के निर्देशानुसार प्रदेश में 8 जिला अध्यक्षों की एवं प्रदेश कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्यों की घोषणा की गई है, जिसमें धौलपुर जिले के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर को बनाया गया है। पारासर छात्र जीवन से ही सक्रिय राजनीति का हिस्सा रहे हैं। छात्र जीवन में ये एबीपी के जिला संयोजक रहे हैं, वहीं पूर्व में भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान में ये भाजपा के जिला कार्यकारिणी में जिला महामंत्री के पद पर कार्यरत थे। प्रदेश नेतृत्व द्वारा अब इनको धौलपुर जिले के जिलाध्यक्ष पद की बागडोर सौंपी गई है, जिनकी घोषणा से भाजपाइयों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। साथ ही निवर्तमान जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा को प्रदेश नेतृत्व द्वारा प्रदेश कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया गया है। पारासर के जिलाध्यक्ष बनने पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।
आपको बता दें कि सत्येंद्र पारासल मूल रूप से राजखेड़ा इलाके के रहसना गांव के निवासी हैं। ये उच्च शिक्षित युवा हैं। इन्होंने LLB तक की पढ़ाई की है। इनके पिता SD पारासल महाराणा स्कूल दौरपुर में जाने माने इंग्लिश के लेक्चरर रहे हैं। ये चार भाई हैं। इनके एक भाई अनिल पारासर RAS अधिकारी हैं, जो फिलहाल जयपुर में पदस्थापित हैं। वहीं एक भाई वीरेंद्र पारासर रेशना ग्राम पंचायत के सरपंच हैं। वहीं एक भाई मनमोहन पारासर मेडिकल की दुकान चलाते हैं। दोनों पार्टियों ने की ब्राह्मण मतदाताओं के साधने की कोशिश। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही राजनीतिक पार्टियां एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही हैं और सोच विचार कर ही हर कदम उठा रही हैं। माना जा रहा है कि इस समय दोनों ही पार्टियों का फोकस धौलपुर जिले में ब्राह्मण मतदाताओं पर है, क्योंकि ब्राह्मण वोटर आने वाले विधानसभा चुनाव में निर्णायक की भूमिका अदा करेगा। राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये भी ब्राह्मण मतदाता ही तय करेंगे। इसी को लेकर दोनों ही बड़ी पार्टी कांग्रेस और BJP ब्राह्मण वोटरों का खास ख्याल रख रही है। इस रणनीति के तहत कुछ समय पूर्व कांग्रेस पार्टी द्वारा ब्राह्मण चेहरे को धौलपुर जिले का जिलाध्यक्ष बनाकर ब्राह्मण मतदाताओं को साधने की कोशिश की गई। वहीं अब भाजपा ने भी ब्राह्मण चेहरे को जिलाध्यक्ष बनाकर ब्राह्मण मतदाताओं को साधने की कोशिश की है। ब्राह्मण वोटों में सेंध लगाने की कोशिश इसलिए भी की जा रही है कि धौलपुर जिले में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी होने के बावजूद भी ना तो जिले में एक भी ब्राह्मण विधायक है, ना ही जिला प्रमुख है और ना ही किसी अन्य पद पर ब्राह्मण है, जिस कारण दोनों पार्टियों का फोकस ब्राह्मण वोटरों पर है। राजनीति का अजब संयोग, कांग्रेस और भाजपा दोनों के जिलाध्यक्ष एक ही पंचायत से। इसे राजनीति का अजब संयोग कहें या गांव लालपुर रैसाना की पवित्र माटी का चमत्कार, के देश की दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और भाजपा के जिलाध्यक्ष फिलहाल इन्हीं दोनों गांव से हैं। खास बात यह है कि ये दोनों गांव एक ही ग्राम पंचायत में आते हैं तथा दोनों आपस में बिल्कुल सटे हुए हैं। आपको बता दें कि कुछ ही समय पहले बने कांग्रेस के धौलपुर जिलाध्यक्ष पंडित साकेत प्यारी शर्मा मूल रूप से लालपुर गांव के निवासी हैं, जो फिलहाल महाराणा स्कूल के सामने धौलपुर में रहते हैं। वहीं नव नियुक्त भाजपा धौलपुर के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर रैसेना गांव के मूल निवासी हैं, जो फिलहाल उम्मेदी नगर राजखेड़ा बाईपास धौलपुर के निवासी हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जताया हर्ष। जिला महामंत्री रहे सत्येंद्र पारासर को भारतीय जनता पार्टी धौलपुर का जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर धौलपुर के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है, जिसको लेकर जिला कार्यालय धौलपुर पर मिठाई बांटकर हर्ष व्यक्त किया। इस दौरान अनिल गोयल, पूर्व संघ प्रचारक मंडल अध्यक्ष विशाल सिंह, मंडल महामंत्री हेम सिंह बघेला, अशोक पचौरी, नवीन तिवारी, मदन कोली, मान सिंह चौधरी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धौलपुर में खुला सर्स पार्लर, जहां परिवार के साथ आराम से बैठकर ले स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद। सभी व्यंजन शुद्ध और भरोसेमंद सरस घी एवं मक्खन से निर्मित। हमारे यहां समोसा, कचौरी, पनीर पकौड़े, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, फ्रेंच फ्राइड, सैंडविच, चाउमीन, डोसा, पाव भाजी, इडली, पानी की टिक्की, सॉफ्टी, हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी, सभी प्रकार के पराठे, सरस का दूध, लस्सी, छाछ, मक्खन आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। फैमिली के लिए AC हॉल की व्यवस्था। एक बार परिवार के साथ जरूर पधारिए और लीजिए सरस पार्लर के स्वादिष्ट एवं शुद्ध व्यंजनों का आनंद। पता कैंथ्री रिसोर्ट के बगल से, GT रोड, धौलपुर। आपके भरोसेमंद डी स्क्वायर शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियाँ भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर बंटू गुर्जर सहित 3 बदमाश धर दबोचे। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के साथ हथियार तस्करी की फिराक में थे बदमाश। DST टीम धौलपुर व शैंपू थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। धौलपुर जिले की DST टीम एवं शैंपू थाना पुलिस ने रविवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 3 अवैध देसी तमंचा, 1 दर्जन जिंदा कारतूस, 3,68,000 रुपए की राशि एवं स्कॉर्पियो गाड़ी को भी बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों में हिस्ट्री शीटर बंटू गुर्जर भी शामिल है।
सैंपुर पुलिस थाने के एएसआई ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि डीएसटी टीम के इंचार्ज घनश्याम एवं कांस्टेबल इंद्रजीत को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि तीन बदमाश बाड़ी की तरफ से स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर सैंपुर की तरफ आ रहे हैं। तभी डीएसटी टीम धौलपुर एवं सैंपुर पुलिस थाने के एएसआई राजेश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया। पुलिस टीम पार्वती नदी पुल के पास पहुंच गई, जहां बदमाशों को पकड़ने के लिए फील्डिंग सजाई हुई थी। तभी बाड़ी की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी को रुकवा लिया। इसी दौरान पुलिस के जवानों ने साहस का परिचय देते हुए हिस्ट्री शीटर 31 वर्षीय बंटू गुर्जर पुत्र भोगीराम गुर्जर निवासी अतराज का पुरा, 25 वर्षीय विष्णु पुत्र राममरण निवासी पिलावली और 28 वर्षीय संग्राम सिंह पुत्र विद्याराम गुर्जर निवासी बडरिया नादनपुर को घेराबंदी कर दबोच लिया। उसी दरमियान तीनों बदमाशों के कब्जे से 3 अवैध देसी तमंचा, 1 दर्जन जिंदा कारतूस, 3,68,000 रुपये की राशि एवं स्कॉर्पियो गाड़ी को भी बरामद किया है। एएसआई शर्मा ने बताया कि बदमाशों में हिस्ट्री शीटर बंटू गुर्जर की गिरफ्तारी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि बंटू गुर्जर की तलाश पुलिस विगत लंबे समय से कर रही थी। आज दिनांक 20/8/2023 को डीएसटी टीम को सूचना पर मैं थाने का जाप्ता पार्वती नदी पर नाकाबंदी के दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी में 3 बदमाश, जिन पर 3 कट्टे व 3,68,000 रुपये मिले, जिनकी कार्रवाई कर थाना सैंपो पर लाए, इनकी तफ्तीश जारी है व मुलजिम बंद हवालत कराई। उपमा कुमारी बनी वसई नवाब की सरपंच, शांतिपूर्ण संपन्न हुई उपचुनाव की मतदान और मतगणना प्रक्रिया, प्रशासन ने ली राहत की सांस। धौलपुर जिले की वसई नवाब ग्राम पंचायत में रविवार को सरपंच पद के उपचुनाव के लिए मतदान हुआ है, जिसमें 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित इस सीट पर 1 महिला सहित 3 पुरुष चुनावी मैदान में अपनी अपनी जीत के लिए जोर लगा रहे थे। वहीं मतदान के लिए पोलिंग बूथ के बाहर सुबह से ही लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया। वहीं प्रत्याशी घर से मतदान के लिए निकले लोगों से भी मान मनवार करते दिखे। उपचुनाव के दौरान कई युवतियों ने पहली बार मतदान किया, जिससे उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दी। रविवार 5 बजे तक कुल 75.38% मतदान हुआ। चुनाव में कुल 3,569 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। शाम के समय मतदान की रफ्तार धीमी देखी गई। पूरी चुनाव प्रक्रिया को लेकर पुलिस उपाधीक्षक सैंपू बाबूलाल मीणा, एसडीएम वर्षा मीणा, कोलारी थाना प्रभारी मान सिंह, कंचनपुर थाना प्रभारी योगेंद्र शर्मा, बसई नवाब तहसील के कार्यवाहक तहसीलदार रघुवीर सिंह, बसई नवाब पुलिस चौकी प्रभारी राजवीर मीणा, शखवारा पुलिस चौकी प्रभारी सत्यप्रकाश शर्मा काफी सख्त दिखे। इस दौरान पूरे टीम वर्क के साथ चुनाव की मॉनिटर की गई। पुलिस जाब्ता पोलिंग बूथ पर तैनात किया गया। किसी भी तरह का फर्जी मतदान या अन्य कोई अशांति नहीं फैले, इसके लिए पुलिस जवान पूरी तरह निगरानी बनाए रखे, जिससे माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण देखने को मिला। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतगणना हुई, जिसके बाद देर शाम को आए चुनाव परिणाम में उपमा कुमारी को 224 मतों से विजयी घोषित किया गया। वहीं दूसरे नंबर पर रहे सतेंद्र कुमार को 1,213 मत प्राप्त हुए। वहीं विजेता प्रत्याशी उपमा कुमारी को 1,437 मत मिले। चोरों ने अलमारी तोड़ चुराए 45,000 रुपए व जेवरात, शौपटा रोड कॉलोनी की घटना, महिला के कानों से भी छीने कुंडल। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात्रि चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर पीड़िता के घर से 45,000 रुपए की नकदी के साथ सोने के आभूषण ले गए। घटना को लेकर पीड़िता रामो पत्नी रामरन ने कोतवाली थाना धौलपुर में दर्ज कराए गए मुकदमे में बताया है कि उसका मकान सौपड़ा रोड कॉलोनी में है। उसका बेटा रामू गाड़ी चलाने के लिए घर से बाहर गया हुआ है। बेटे के बाहर जाने पर घर में पुत्र वधू कल्लो के साथ वह अकेली थी। शनिवार देर रात को उसके घर में 2 चोर घुसाए, जिन्होंने घर में घुसकर कमरे के अंदर रखी अलमारी में से 45,000 रुपए के साथ 1.5 तोले सोने की लर को भी चुरा लिया। पीड़िता ने बताया कि चोरी करने के बाद दोनों चोर घर में सो रही उसकी पुत्र वधू के पास पहुंच गए, जहां चोरों ने पुत्र वधू के कान में पहने सोने के कुंडल भी छीन लिए। जिस छीना झपटी में पीड़िता की पुत्र वधू के कानों में भी चोट आ गई। दोनों चोरों के भाग जाने के बाद पीड़िता के शोर मचाने पर पड़ोसी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस को चोरी की सूचना दी गई। पीसी बोहरा का परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष बनना लगभग तय, सोमवार को होगी विधिवत घोषणा। सभी के नामांकन वापस लेने के बाद केवल बोहरा शेष हैं चुनावी मैदान में।
भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट धौलपुर के नवीन अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन फॉर्म प्रस्तुत करने की प्रक्रिया रविवार को संपन्न हुई। ट्रस्ट के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर राजेश शर्मा एवं सहायक चुनाव अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत शर्मा ने बताया कि निर्धारित समय एवं जाँच प्रक्रिया के तहत केवल एक ही उम्मीदवार पीसी बोरा का नामांकन प्रस्तुत हुआ है, जिसे पूर्ण जाँच के अनुसार अंतिम रूप से चुनाव के लिए विधिवत प्रत्याशी घोषित किया गया है। निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के तहत कल केवल एक ही उम्मीदवार होने के कारण पीसी बोरा को ट्रस्ट का निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। ट्रस्ट के मीडिया प्रभारी प्रशांत हुंडावाल ने बताया कि इस अवसर पर समाज के कई ट्रस्टी, दानदाता एवं प्रबुद्ध समाज से भी मौजूद रहे, जिसमें ट्रस्ट के उपाध्यक्ष दुर्गादत्त शास्त्री, कोषाध्यक्ष किशन चंद शर्मा, महासचिव महेश शास्त्री, पूर्व महासचिव हरिनिवास प्रधान, विश्वम्बर दयाल शर्मा, सतीश शर्मा, पूर्व सभापति रीति शर्मा, कुक्कू शर्मा, लज्जाराम शर्मा, महेश शास्त्री, अनुराग मुदगल, संजय दीक्षित, लवकुश शर्मा, रामगोपाल शर्मा, राम गोविंद शर्मा, सुभाष भारद्वाज, संजय शर्मा, डॉक्टर राधेश्याम शर्मा, डॉक्टर राजवीर शर्मा, बाल मुकुंद शर्मा, जनार्दन शर्मा, रामजी लाल शर्मा, राजेंद्र नाथ शर्मा, वासुदेव शर्मा तहसीलदार, राजेश वरेह, पप्पू बौरे वरेह, राजेश उदैनिया, प्रताप सिंह शर्मा, विनीता राकेश शर्मा, महेश शर्मा पिपरौआ, रमेश महेरे, चंद्रशेखर, अवधेश उपाध्याय, डॉक्टर भूदेव श्रोत्रिय, राजेश गुदेनिया, यादविंद शर्मा, जितेंद्र व्यास, अनिल भारद्वाज, पवन शर्मा, राजेंद्र शर्मा, वैद्य कन्हैयालाल शर्मा, राजेश तिवारी, अशोक शर्मा सहित कई समाजसेवी एवं युवा सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। निर्मल फूड प्लाजा रेस्टोरेंट, जहां मिलेंगे सबसे ज्यादा स्वादिष्ट साउथ इंडियन, चाइनीज, बेवरेज और फास्ट फूड व्यंजन, वो भी कीमत से सबसे सस्ते और क्वालिटी में सबसे अच्छे। हमारी स्पेशल डिशेस बाहुबली पिज्जा और चीज बर्स्ट पिज्जा, जो धौलपुर में और कहीं नहीं। स्वादिष्ट डिश बनाने वाले गुजराती स्पेशल शेफ, पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी फैमिली एसी रेस्टोरेंट, शहर के बीचों बीच स्थित, महिलाओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित माहौल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी और अन्य तरह की पार्टी करने की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे निर्मल फूड प्लाजा रेस्टोरेंट, पता बीना गोयल नर्सिंग होम के पास, पटपरा रोड, धौलपुर। वाटर स्टोरेज के लिए हर घर की जरूरत है सही वाटर टैंक, तो पेश है वाटर वीट टैंक, जो पानी को रखे हेल्दी एंड सेफ। मल्टी प्रोसेस और सख्त क्वालिटी चेक के बाद तैयार होता वाटर व्हील टैंक, हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल, एक्स्ट्रा मजबूती, एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइफ, जो बदलते मौसम में भी रहे अडिग और दमदार, ज्यादा गर्मी में सहनशील, प्रदूषण का भी जिस पर ना पड़े कोई असर, साथ में जर्म्स, बैक्टीरिया और फंगस फ्री। इसका बेहद लचीलापन टैंक की मजबूती रखे सालों तक बरकरार। इसकी बाहरी परत टैंक और टैंक के पानी को यूवी रेस से बचाए, जिससे आपको मिले एकदम शुद्ध और स्वच्छ पानी और आप रहे कई बीमारियों से दूर। कॉल 7976947914 या 8696382959 पर। वाटर वी टैंक, एवरी ड्रॉप काउंट्स। महिलाओं ने हर्ष उल्लास से मनाया हरियाली तीज का त्यौहार। हरियाली तीज के अवसर पर शनिवार शाम को धौलपुर शहर के एक निजी रेस्टोरेंट में महिलाओं द्वारा हरियाली तीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिलाओं ने श्रृंगार तथा उल्लास के साथ हरियाली तीज का त्यौहार मनाया, जिसमें अग्रवाल समाज, वैश्य समाज, अग्र माधवी ग्रुप, इन वीरर क्लब सहित अन्य महिलाओं ने भाग लिया। ग्रीन साड़ी में सजी धजी महिलाओं ने कई तरह के मनोरंजक खेल खेलने के साथ साथ तीज के पारंपरिक गीतों से शमा बांध दिया। एंकरिंग रजनी गोयल के द्वारा की गई। इस दौरान महिलाओं ने एक दूसरे को बधाई भी दी। कार्यक्रम के दौरान पासिंग द पार्सल, माला डालो, स्टैचू आदि गेम्स खेले गए, जिनके विनर्स को आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम में रेणु भार्गव, दीप्ति मोनू जादौन, इंदिरा जिंदर, प्रियंका वंसर, ऋचा मित्तर, सरचा सिंगर, सरचा गोयल, मीनाक्षी गुप्ता, अर्चना प्रतिभा गुप्ता, रेणु गुप्ता, तृप्ति गुप्ता, आशा गुप्ता, वर्षा मोदी, रचना गोयल आदि बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। मेरा नाम यम भार्गव है। आज हम सब लोग शहर की ज़्यादातर महिलाएँ स्पेशली इकट्ठी हुई हैं, क्योंकि अपनी तरफ से आज महिलाओं को फ्री प्रोग्राम करा गया है और बहुत अच्छा है तीज का प्रोग्राम, क्योंकि ये महिलाओं के लिए होता है, महिलाएँ तैयार होती हैं करके और त्यौहार के लिए त्यौहार मनाया जाता है। मेरा नाम रजनी गोयल है, मैं जिला अग्रवाल महिला संगठन धौलपुर की महामंत्री हूँ। आज अभी शहर की सभी बहनें हम यहाँ धौलपुर की
स्पाइसी पीक नानों ने एक बहुत ही अच्छा आयोजन किया है जिसमें हम सभी जगह एकत्रित हुए हैं। हम यहाँ रेगुलर छुट्टी मनाने आते हैं लेकिन आज इन्होंने हमारे लिए एक स्पेशल प्रोग्राम रखा है, उसके लिए हम स्पाइसी पीक का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सभी जगह मिलजुल कर झूला झूल रही हैं, गेम खेल रही हैं, सभी जगह बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं। जो हरियाली तीज है मुख्य से राजस्थान का त्यौहार है, ये जयपुर में बहुत अच्छे से इसकी शोभा यात्रा भी निकाली जाती है और ये शिव पार्वती के मिलन का त्यौहार है। इसके लिए आज सभी बहने ग्रीन साड़ी और लहरिया पहनकर आई हैं, सभी बहुत मिलजुल कर हरियाली तीज का प्रोग्राम मना रहे हैं। धन्यवाद आपको हरियाली तीज की शुभकामनाएं। स्वर्णकार महासभा की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण सम्पन्न। महाओर क्षत्रिय स्वर्णकार महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष एवं प्रांतीय कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को धौलपुर में संपन्न हुआ। नवीन प्रांतीय अध्यक्ष बलवीर सोनी और प्रांतीय कार्यकारिणी ने शपथ लेते समय प्रतिज्ञा की कि वे सदैव समाज के यथार्थ समर्पित रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवशंकर वर्मा, श्रवण कुमार वर्मा व धौलपुर स्वर्णकार अध्यक्ष मोहन वर्मा ने समाज के हितार्थ प्रतिज्ञा की कि वे निरंतर समाज समर्पण के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध रहेंगे। इस अवसर पर मोहन वर्मा, महामंत्री श्यामलाल सोनी, मनोज रवि, राजकुमार वासु सोनी, अंकुर ब्रजमोहन, विष्णु, मुकेश मुरारी, ललित मुकुल सोनी, विवेक सोनी आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।